नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने सरकारी लड़कों। दोस्तों बता दें, बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे आ रही है। बिहार सरकार ने 267 और स्पेशल ट्रेनों का यहाँ पे ऐलान कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, जिसकी लिस्ट भी यहाँ पे जारी की गई है। बिहार सरकार की तरफ से इसकी लिस्ट जारी की गई और सारे राज्यों से यहाँ पे लगभग यहाँ पे ट्रेनें चल रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसका ऑफिशियल ट्वीट। देख सकते हैं सीएमओ बिहार, सीएम ऑफिस की तरफ से, बिहार की तरफ से 115 ट्रेनों में यहाँ पे 1.3 लाख यात्री यहाँ पे लेबर्स वर्कर्स यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे 4.5 लाख यहाँ पे 4 लाख यहाँ पे 27,000 लोग और यहाँ पे आने वाले हैं, जो कि यहाँ पे 267 ट्रेनर्स से यहाँ पे बिहार उनका स्वागत करता है। देख सकते हैं सीएमओ की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री ने 7 दिनों के अंदर अन्य राज्यों से बिहार में लाने वाले इच्छुक, यानी कि 7 दिन के अंदर 267 ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन अराइव टिल 11 मई, यहाँ पे ये ट्रेनें आ गई 115 और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन प्लांट, यहाँ देख सकते हैं 267 ट्रेन यहाँ पे और चलने वाली है। और यहाँ पे मजदूरों की बात करें तो देख सकते हैं 1,37,000 यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे 4,27,000 मजदूर और यहाँ पे आने वाले हैं अगले 7 दिनों में। देख सकते हैं बिहार सरकार ने यहाँ पे मजदूरों को यहाँ पे ऐलान कर दिया है इतनी सारी ट्रेन। यहाँ पे दोस्तों बात करें, सबसे ज़्यादा ट्रेन आपकी यहाँ पे जो भी आने वाली है, सबसे ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे महाराष्ट्र से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 58 ट्रेन है। उसके बाद यहाँ पे पंजाब से 48 ट्रेन यहाँ पे चलने वाली है। उसके बाद सबसे ज़्यादा 71 ट्रेन यहाँ गुजरात से चलने वाली है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं 48 ट्रेन यहाँ पे टोटल यहाँ पे चलने वाली है। और आपको बता दें कि बिहार सरकार ने एक और यहाँ पे निर्देश दिया है कि जो भी लोग यहाँ पे अपने निजी वाहन से यहाँ पे भाड़ा बुकिंग करके जैसे भी करके कोई भी राज्य से यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उनको अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट अधिकारी से यहाँ पे ई पास बनवा कर आप यहाँ पे बिहार राज्य में आप आ सकते हैं। ये बिहार सरकार ने यहाँ पे छूट दी है। जो भी यहाँ पे मजदूर लोग आएंगे उनको यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा और जो विद्यार्थी आएंगे, जो भी पर्यटक आएंगे, उनको यहाँ पे होम क्वारंटाइन के लिए यहाँ पे कहा गया है बिहार सरकार की तरफ से। आज की ही लेटेस्ट अपडेट, आज सीएमओ की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से ये सारा यहाँ पे ऐलान किया गया। तो दोस्तों अगर आप भी आना चाहते हैं अगल बगल राज्य से, अगर आपके यहाँ पे ट्रेन नहीं मिल रहा है, श्रमिक ट्रेन नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपना निजी वाहन या भाड़े के वाहन या कैसे भी आप बिहार में आ सकते हैं। बस आपको यहाँ पे जो जिलाधिकारी है आप जिस स्टेट में, वहाँ पे आपको ई पास बनवाना, उनसे यहाँ पे अनुमति लेकर आप यहाँ पे बिहार राज्य में आ सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही थी आज के यहाँ पे बिहार सरकार के फैसला में। तो यही आपको बहुत ही बड़ी, जो भी लोग प्रवासी मजदूर आपकी फंसे, आप निश्चिंत रहें, आपके लिए यहाँ पे 267 ट्रेनें यहाँ पे चला दी गई हैं और अगले 7 दिनों में ये सारी ट्रेनें यहाँ पे चलने वाले हैं। लगभग बता दें कि 30-40 ट्रेन रोज़ यहाँ पे चलने वाली है अगले 7 दिनों में। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, आपको मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ पे आप जाके देख लें कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। वहाँ पे वेबसाइट है बिहार सरकार का, जो भी स्टेट है जिस स्टेट में आप फंसे हुए हैं वहाँ पर जाके अपने रजिस्ट्रेशन करा लें। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेशल श्रमिक ट्रेनर्स आपको फ्री में यहाँ पे लाया जाएगा, आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको बिहार सरकार सारा पैसा देगी, आपको यहाँ पे आना है। तो ऐसे ही दोस्तों पल-पल के अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, और भी पल-पल की अपडेट हम आपको बिहार सरकार के जो भी सरकार की तरफ से आती है आपको देते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरकारी अलर्ट गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, सारे अलर्ट सबसे पहले।